हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री एडियो हब। आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो हमारा है किसके ऊपर, सिंथेटिक और कंपोजिट के ऊपर, मॉक टेस्ट 19 है। ठीक है, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप वो जाके देख सकते हैं एग्री एडियो हब पर, जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर मैंने इसकी पूरी डिटेल्स डाल दी है। इसके इससे रिलेटेड जितने भी थियरी क्वेश्चन बनते हैं, इसका जो भी कॉन्सेप्ट्स है, इसकी जो भी डेफिनेशंस है, वो सब कुछ मैं उसमें डाल चुका हूँ। तो यहाँ मैं आपको ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, बट मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझा दूँगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँगा। थियरी पढ़ने के लिए आप जाके पेज पे चले जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। ठीक है, करें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक वेराइटी क्या है, ठीक है, वो हम देख लेंगे इसमें। और ये देखो, सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था इसको, 1919, थोड़ा सा सन याद रखिएगा, और मेज में किया था ये याद रखिएगा। तो ये क्या था, आपका हेजन गार्बर ने कब किया था, 1919 में। किसमें किया था, मक्का में किया था, मेज में किया था। ये होती है सिंथेटिक वेराइटी। थोड़ा सा समझ, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ सिंथेटिक वेराइटी क्या होती है। सिंथेटिक वेराइटी होता है मिक्सचर, ठीक है, जैसे ये हमारी इनब्रेड लाइन्स है, ठीक है, मान लो ये इनब्रेड लाइन है, मिक्सचर विथ गुड जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। मान लो इसकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी इस वाले की और इस वाले की अच्छी है, तो हम क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं और इसको जो हम लेते हैं इनको निकाल के, ठीक है, इनको क्रॉस कर देते हैं। और क्रॉस ऑल पॉसिबल क्रॉस होना चाहिए, मतलब इसका इसमें भी क्रॉस होना चाहिए, इसका इसमें भी क्रॉस होना चाहिए, और इसका इसमें भी क्रॉस होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें F1 रेस करेंगे, और F1 के बाद हम क्या करेंगे, जो इक्वल अमाउंट ऑफ सीड है उनको लेंगे। जैसे हमने मान लो 100 100 ग्राम सब में से ले लिया और सबको मिक्स कर देंगे, वो मिक्स जो वेराइटी है वो हो गई अभी सिंथेटिक वेराइटी। बहुत सिंपल टर्म है, कंपोजिट में और सिंथेटिक में इतना सा ही बस डिफरेंस है कि कंपोजिट में जो है आपको GCA टेस्ट नहीं करना है। वहाँ पर 6 अगर आपने लाइन ली है इनब्रिड लाइन, तो 6 ही लाइन को आपको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेटिक वेराइटीज़ कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम, अब इसकी बेस पॉपुलेशन हमें पूछी हुई है, तो बेस पॉपुलेशन इसकी इनब्रेड लाइन भी है, क्लोन्स भी है, OPV भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आप फुंदन सिंह बुक को रेफर कर सकते हैं, उसमें इसका डिटेल दे के रखा है, बाकी डिटेल में डाल भी चुका हूँ इंस्टाग्राम पर, देख लीजिए जाके। अब हाउ मैनी इनब्रिड जनरली यूज इन कॉन्स्टिट्यूट से सिंथेटिक वेराइटी, कम से कम कितनी चाहिए हमको, तो 5 से 8 लाइन तो हमको चाहिए इनब्रिड की। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। सिंथेटिक वेराइटी से मिक्सचर, और मैं यहाँ पे बोल चुका हूँ ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जैसे मैंने अलग अलग इनब्रेड लिए थे ना, तो ये जो मिक्सचर होगा वो हेट्रोजाइगोट होगा, ठीक है, हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट का मिक्सचर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं हेट्रोजाइगोट आपका, तो आप आंसर रहेगा आपका नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी होमोजाइगोट है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हेट्रोजाइगोट का मिक्सचर, ये ध्यान रखना, वर्ड ध्यान रखिएगा यहाँ पे, मिक्सचर बेस पॉपुलेशन हमने अलग लिया था। ये क्लियर हो गया हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आप थियरी देख लीजिए वहाँ पे जाके, तो आप और बेटर अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनिशियली सिंथेटिक वेराइटी कंसिस्ट ऑफ सेवरल, मतलब पहले किस टाइप की होती है और बाद में किस टाइप की होती है और क्यों होती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। पहले जो होती है वो हेट्रोजाइगस होती है, ठीक है, कैसी रहेगी, हेट्रोजाइगस। लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मिक्स करते हैं, उसके बाद उसको जो हम क्या करते हैं, ओपन पोलिनेटेड वेराइटी कर देते हैं ना, उसको ओपन पोलिनेशन के लिए छोड़ देते, सॉरी, है ना, उसको हम ओपन पोलिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, इनब्रीडिंग हो जाती है, और इनब्रीडिंग से क्या होता है, आपको सबको पता है, होमोजाइगोसिटी आ जाती है। तो पहले रहेगा हेट्रोजाइगोट, तो उसके बाद बोथ होमो एंड हेट्रो दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, पहले रहेगा हेट्रोजाइगोट्स, देख चुका हूँ मैं, अब मैं बता चुका हूँ कि मिक्सचर है आपका सेवरल हेट्रोजाइगोट्स का। उसके बाद क्या होगा, उसमें हमने ओपन पोलिनेशन के लिए छोड़ दिया, तो उसमें इनब्रीडिंग होने के चांसेस है, उससे क्या हो जाएगा, हेट्रो और होमो दोनों कंडीशन आ जाएगी। तो पहले रहेगा हेट्रोजाइगस, फिर दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। द यील्ड ऑफ सिंथेटिक वेराइटीज इज हायर देन, अब देखो थोड़ा सा क्रम याद रखिएगा, सिंथेटिक वेराइटी की यील्ड हमेशा ओपन पोलिनेटेड वेराइटी से ज़्यादा रहती है, बट अगले ही क्वेश्चन में देके रखा है कि कम किससे होगी, तो ये सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस से कम होगी, ध्यान रखिए आंसर हो जाएगा बोथ एंड भी। तो किससे ज़्यादा है, हमारी ओपन पोलिनेटेड वेराइटी से ज़्यादा है, लेकिन सिंगल और क्रॉस और डबल क्रॉस से कम है। अब ये दोनों क्या होते हैं, मैं पिछले मॉक टेस्ट में आपको समझा चुका हूँ, वो देख लीजिएगा आप। सिंथेटिक एक्सप्लोइट्स मोर ऑफ, अभी मैंने बताया आपको इसमें इसमें क्या रहेगा, एडिटिव जीन रहेगा। ठीक है, GCA से हम देखते हैं, तो GCA से हम क्या करते हैं, एडिटिव जीन रहेगा इसका। इसका मैं जब क्वांट्स आपको पढ़ाऊंगा तब ये डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा, ध्यान रखिए GCA का किससे रहेगा, एडिटिव से रहेगा। इतना क्लियर है, आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मैं आपको अगला बताता हूँ आगे क्या है क्वेश्चंस, वो देख लेते हैं। इन सिंथेटिक वेराइटीज हेट्रोसिस, देखो हेट्रोसिस में पार्शली एक्सप्लोइटेड होता है, क्यों होता है, देखिए इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि इनब्रीडिंग हो जाती है, तो इनब्रीडिंग होने की वजह से क्या हो जाता है, होमोजाइगोट हो जाता है, इसलिए वो पार्शली एक्सप्लोइटेड रहता है। ठीक है, ये आपको टर्म याद रखना है, ये क्वेश्चन बन भी सकता है आपका, सिंथेटिक वेराइटी में हेट्रोसिस जो है वो पार्शली एक्सप्लोइटेड रहता है। ठीक है, क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं और थियरी पढ़ लीजिए, थियरी मैंने पूरी लिखी है, बहुत अच्छे से लिखी, समझ में आ जाएगी आपको। और सिंथेटिक वेराइटी इज मेंटेन बाय, मेंटेन अभी मैंने आपको बताया ओपन पोलिनेशन से हम इसको मेंटेन करेंगे, जब मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी उसमें बता दिया था ये चीज़।
द कॉन्स्टिट्यूएंट जीनोटाइप ऑफ सिंथेटिक वेराइटीज आर, ये अभी पूरी बात हम बार बार इसी को लेके चल रहे हैं, तो आपको टर्म वैसे ही क्लियर हो जाएगा। जी सी ए है हमारा, ठीक है, सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जी सी ए टेस्ट करेंगे हम, उसके बाद ही उसको यूज़ करेंगे, जो नहीं होगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे। द प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग सिंथेटिक्स वर को आउटलाइन बाय किसने किया था? जेनकिंस ने किया था 1940 में, याद रखिएगा, ठीक है, जेनकिंस इन 1940। इसको तो मैं समझा नहीं सकता, आपको याद ही रखना पड़ेगा ये साइंटिस्ट का नाम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू डेवलपिंग कंपोजिट्स, कंपोजिट की बात आ गई, तो देखो वही बात है, हेटरोजाइगस पॉपुलेशन लेंगे हम, ठीक है। आगे चलते हैं, कंपोजिट वेराइटी आर हेटरोजीनस होगी, हेटरोजाइगस होगी, पॉलीमॉर्फिक होगी, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। जौहर इज ए कंपोजिट वेराइटी ऑफ, ये आपको याद रखना है, मेज की कंपोजिट वेराइटी जवाहर, ठीक है, 1967 में शायद रिलीज हुई है, देख लीजिएगा आप इसे। इंस्टाग्राम पेज पे मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि वहाँ पे मैं पूरा लेक्चर डाल चुका हूँ एग्जांपल्स के साथ, वहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, और फिर भी कुछ डाउट होती है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको वहाँ पे भी, ठीक है। आपको लगता है कोई सा क्वेश्चन गलत है तो भी आप बता दीजिए, फुंदन सिंह बुक से ये पूरे क्वेश्चन दिए गए, वहीं से आप थियरी पढ़ सकते हैं। बाकी एग्री एडियो हब करके पेज है हमारा, एग्री एडियो हब, ठीक है, और इसके अलावा आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ भी मिलेगी, एच यू भी, सॉरी, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, और भी लेक्चर अगर आपको देखना है तो पुराने इससे रिलेटेड, ठीक है, थैंक यू।